मध्य प्रदेश के इंदौर में एक और पुलिस जेल से छूटने वाले बदमाशों पर निगरानी की बात करती है, तो दूसरी ओर जेल से छूटे शातिर चोर घटनाओं को अंजाम देकर अपना रोजगार तलाश रहे हैं। हाल ही में द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा करते हुए फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है और सोने चांदी के आभूषण बरामद भी किए हैं। दरअसल मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के शांतिनाथपुरी में रहने वाले फरियादी सूरज सचदेव पारिवारिक काम से बाहर गए हुए थे। जब घर आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित मोबाइल फोन गायब मिला। कुछ नकदी भी शातिर चोर वारदात को अंजाम देकर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के ही शातिर चोर मंगल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की और पूरे मामले का खुलासा हुआ। पकड़े गए आरोपी हाल ही में जेल से छूटा था और फिर चोरी की वारदातों का अंजाम देने लगा था, तो वहीं पर पकड़े गए आरोपी मंगल से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। वहीं शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की वारदातों के मामले में भी उससे पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हाँ, हमने एक शातिर चोर को पकड़ा है जिसका पहले भी संपत्ति संबंधी अपराध है और इसको हमने 399-402 में जेल भेजा था। एक जो है हमारे शांतिनाथपुरी के सूरज सचदेव हैं, जो 3 तारीख को अपना मकान बंद करके कटनी शादी में चले गए थे और जब वापस 7 तारीख को आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और करीब 2 लाख के सोने चांदी के सामान जो है आभूषण गायब हैं। तो ये हमने जो आरोपी को पकड़ा था, मंगल उर्फ मनीष चौहान है, ये आकाश नगर में रहता है, इसको हमने डकैती की योजना में जेल भेजा था और वो 1 तारीख को ही छूटा था और छूटते से ही उसने 3 तारीख को ये घटना वारदात कर दी थी। हमारी पुलिस ने बड़ी सक्रियता और बड़े लगन से इस प्रकरण में लग करके और आरोपी को गिरफ्तार करके और सोने चांदी का सामान जो चोरी गया था उसे बरामद किया। सर, आरोपी कोई और वारदात को अंजाम देने के लिए? बिल्कुल सही आपने ये पूछा है, निश्चित रूप से ये और वारदातों को अंजाम देता और उसको रात में हमने पुलिस ने हमारे ASI संजय चौहान और आरक्षक अजीत ने इसको रात में घूमते हुए पकड़ा था और जब इससे हिकमत अमली से उन लोगों ने पूछताछ की तो उसने इस वारदात को अंजाम देना बताया था। नहीं, इससे जो हथियार नहीं, इससे जो ताला तोड़ने का सामान है वो बरामद हुआ था। खबर मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।